सूर्य ग्रहण का हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में बड़ा महत्व है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ग्रहण महज एक खगोलीय घटना है, लेकिन भारतीय ज्योतिष में यह बड़े परिवर्तन का कारक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के घटित होने से पहले ही उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है और ग्रहण की समाप्ति के बाद भी कई दिनों तक उसका असर देखने को मिलता है। भारत में दिखाई देने के कारण ही सूर्य ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक मान्य होगा। आज 26 दिसंबर है और आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। इस ग्रहण का प्रभाव विभिन्न राशियों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि 26 दिसंबर की सुबह सूर्य ग्रहण 8:04 से शुरू होगा। सूर्य ग्रहण सुबह 9:24 से चंद्रमा सूर्य के किनारे को ढकना शुरू कर देगा। इसके बाद सुबह 9:26 तक पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। 11:05 तक यह सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर 3:12 का यह सूर्य ग्रहण होगा। प्रातः 8:13 से शुभारंभ होकर के 10:56 तक समाप्त होगा। ग्रहण का मध्य प्रातः 9:28 रहेगा। ग्रहण का कुल पर्व काल 2:43 रहेगा। ये मूल नक्षत्र व धनु राशि में ग्रहण होने जा रहा है। इस राशि और इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को काफी कष्टप्रद रहने वाला है। ग्रहण के दौरान व्यक्ति को भजन व जप तप व हरि नाम सत्संग जरूर करना चाहिए। इस दौरान विशेष रूप से घर में रह कर के अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। सूतक के दौरान वयोवृद्ध बच्चों को अस्वस्थ व्यक्तियों को छोड़कर के भोजन करना निषेध माना जाता है। दरअसल वैसे ग्रहण का प्रभाव हर राशि में अच्छा या बुरा होता है, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव अधिकतर राशियों के लिए प्रतिकूल है। खासकर धनु, कन्या एवं वृष राशि के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वृष राशि के लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा, वहीं वृश्चिक राशि के लोगों को धन हानि होगी। और बात करें सिंह और मकर राशि की, तो उनके लिए यह ग्रहण सामान्य रहेगा। इसके अलावा कर्क, तुला, कुंभ और मीन चार राशि वालों पर ग्रहण शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों की नौकरी को लेकर खतरा बनेगा, किसी विवाद में ना पड़े। वृश्चिक वालों को पैसों को लेकर समस्या, घर में लड़ाई झगड़ा और वाहन से दुर्घटना भी हो सकती है। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर इसका धार्मिक महत्व और सूतक माना जाएगा।